सर सर बस दो एक मिनट में चालू कर रहे हैं सर, थोड़े से सर थोड़े से आ रहे हैं इस चक्कर में, हम थोड़ा सा हो रहे थे, थोड़ा सा वेट कर रहे थे, एक दो मिनट में पहुंच जाएंगे सर। अपन चालू कर दे, थोड़ा सा मैं बोल दूं, इसकी जानकारी दे दूं ना। कर देंगे ना फोन। सभी को नमस्कार, मैं शासकीय निर्भय सिंह पटेल विज्ञान महाविद्यालय इंदौर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरी आवाज आ रही है सर? जी, मैं शासकीय निर्भय सिंह पटेल विज्ञान महाविद्यालय की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स और आईक्यूएसी सेल की द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय कार्यशाला में, जो कि स्पोर्ट्स फॉर मैनकाइंड, मानव जाति के लिए खेल, इस विषय पे एक हम वर्कशॉप करने की बहुत समय से कोशिश कर रहे थे और उसी तारतम्य में आज मौका लगा है कि हम इसको कर पाए हैं। इसमें हमने कोशिश की है कि देश के सभी जगह से अच्छे विषय विशेषज्ञ हम लोग आप लोगों के सामने उनके विचार प्रस्तुत करा सकें और इसी तारतम्य में आज 18 तारीख को हमारे बीच होंगे डॉक्टर एमआई कुरैशी, जो हमारे इस देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में निदेशक के रूप में अपनी अच्छी सी भूमिका अदा कर चुके हैं। 19 तारीख को हमारे साथ में होंगे डॉक्टर बासु मतारी, डायरेक्टर LNIP गुवाहाटी। 20 तारीख को डॉक्टर के ज्योति दयानंदन, YMCA कॉलेज मद्रास से होंगी हमारे साथ में। 21 तारीख को डॉक्टर देवाशीष बागची, डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स गोवा, हमारे साथ में जुड़ेंगे। 22 तारीख को डॉक्टर अजय सानी होंगे, प्रोफेसर देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। 23 तारीख को हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर विवेक पांडे, प्रोफेसर एंड एक्स रजिस्ट्रार LNIP लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर। और 24 तारीख को डॉक्टर पूनम कौशिक, कस्तूरा ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट स्पोर्ट्स ऑफिसर, हमारे साथ में होंगी। और ये सभी विषय विशेषज्ञ इस टॉपिक के को हर तरह से इसके सभी आयामों पर चर्चा करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हमें कोई अच्छे निष्कर्षों पर और अच्छी एक चीज को बना पाएंगे। सभी को आवाज क्लियर है भैया? मैं सबसे एक संजीत क्लियर है? ओके। आज के हमारे जी ईगो हो रहा है, बंद कर रखा है, आवाज तो आ रही पर ईगो क्यों हो रहा है? ओके, अब ठीक है, ठीक है, हां अपन चालू कर लेंगे। ओके, सारे विषय में अब मैं अपने हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर कुसुमलता निगवाल मैडम से निवेदन करूंगा कि वह हमारे इस राष्ट्रीय कार्यशाला में उपस्थित सभी हमारे पार्टिसिपेंट्स का तथा एक्सपर्ट्स का और हमारे आज के मुख्य अतिथि और हमारे मुख्य संरक्षक डॉक्टर सुरेश सिलावट के सम्मान में दो शब्द कहें। मैडम निगवाल, सभी को मेरा नमस्कार। महाविद्यालय द्वारा स्पोर्ट्स फॉर मैनकाइंड विषय पर आयोजित 7 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर मैं हमारे मुख्य संरक्षक, अतिरिक्त संचालक महोदय, उच्च शिक्षा विभाग इंदौर डॉक्टर सुरेश सिलावट जी का तथा सभी कार्यशाला में उपस्थित वक्ताओं, सहभागियों का
महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करती हूँ। इस 7 दिवसीय कार्यशाला में लगभग देश के हर कोने से, यथा मद्रास से, गोवा, गुवाहाटी, ग्वालियर, इंदौर के विषय विशेषज्ञ हमारे विचारों से, अपने विचारों से आप सभी को लाभान्वित करेंगे। मैं आज के हमारे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर एम आई कुरैशी जी का भी स्वागत करती हूँ, साथ ही कार्यशाला समन्वयक डॉक्टर विकास कौशिक तथा आयोजन समिति सदस्य डॉक्टर संजय जैन, डॉक्टर चतुर्वेदी, डॉक्टर प्रीति भट्ट, तकनीशियन श्री पंकज मालवीय को कार्यशाला के सफल संचालन हो इस हेतु में शुभकामनाएं देती हूँ। सभी को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू मैडम। तो बीच में आ जाएंगे तो करा दो। हमारे माननीय अतिरिक्त संचालक महोदय कहीं किसी कारण से किसी मीटिंग में हैं, अतः वो अभी बीच में अभी वो हमारे पास लिंक नहीं हो पा रहे हैं। तो इस दौरान मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा एक या दो मिनट हम उनका वो लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वो लिंक होते हैं तो मैं आपको जोड़ता हूँ। नहीं यार, तो उनको सर अपन थोड़ा रुकें, बीच में करा लेंगे, है ना? मेरे को फोन। जी जी ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। अब मैं आज हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर एम आई कुरैशी साहब के इंट्रोडक्शन के लिए आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर सुनील दुदाले, क्योंकि ये वर्तमान में हमारे निदेशक हैं और पूर्व निदेशक का इनसे अच्छा इंट्रोडक्शन और कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं दे सकता। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ डॉक्टर दुदाले से कि वो सर का एक इंट्रोडक्शन दें। डॉक्टर दुदाले सर, धन्यवाद प्रकाश जी। सबसे पहले मैं आपको, आपके गार्जियन मैडम को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने एक बहुत पहल करी है और साथ ही कला आयोजित कर रहे हैं। मैं प्रमुख संरक्षक अतिरिक्त संचालक डॉक्टर सुरेश सिलावट जी और डॉक्टर निगवाल मैडम के साथ ही साथ उपस्थित सभी प्रमुखजनों को अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जहाँ तक की बात है कुरैशी सर के परिचय देने के लिए, विकास जी आपने मुझे ये मौका जरूर दिया है, मगर हम सभी जानते हैं कि कुरैशी सर का जो व्यक्तित्व है, उनकी जो मिलनसारिता है तथा उनका जो पूर्व का आभा मंडल है, वो ऐसा है कि लगभग सभी प्रतिज्ञा उनके व्यक्तित्व की मेरे जानते ही है, ऐसा मैं मान के कह रहा हूँ। फिर भी आपने मेरे को ये मौका दिया, तो मेरे पास जो सर के संदर्भ में थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी है, वो जानकारी मैं आप सभी लोगों तक भेजना चाहता हूँ, प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश के सागर शहर को बिलोंग करते हैं। आपकी स्कूल और कॉलेज की शिक्षा ग्वालियर में हुई है। ग्वालियर में आपने LNIT से अपना ग्रेजुएशन किया था तथा आपने वहां पर अपना पीजी डिग्री कंप्लीट करने के पश्चात आप लखनऊ के कॉलेज, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन में जाकर आपने अपना शैक्षणिक जीवन प्रारंभ किया था एक शिक्षक के रूप में। भारत सरकार की ओर से विदेश में कुछ अच्छे शिक्षकों को भेजने की कार्य करने का मौका मिला। लगभग 10 वर्षों तक सर वहां पे कार्य करते रहे और जब आप वहां से नाइजीरिया से लौटे
इसमें पीछे चल जॉब ज्वाइन किया और आपने अपना जॉब करते करते वहाँ पे अपनी पीएचडी डिग्री भी पूर्ण करी। सर 1990 की बात है, जो तत्काल में इंदौर विश्वविद्यालय था उसके निदेशक शारीरिक शिक्षा के पद पर टेनिक होकर इंदौर आ गए। सर का इंदौर आगमन होने के साथ साथ सर ने यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन के अंदर पाठ्यक्रम प्रारंभ कराया और साथ ही साथ में बाद में योग विषय को भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित करके इंदौर का नाम फिजिकल एजुकेशन और योग के अंदर महती योगदान दिया। विश्वविद्यालय की अपनी सेवा काल के समय में रहते हुए सर विभिन्न पदों पर आसीन रहे, जैसे कि कार्य परिषद के सदस्य रहे, डीन फैकल्टी भी रहे, विश्वविद्यालय में चयन समिति के सदस्य के रूप में विभिन्न शैक्षणिक समितियों पर भी आप कार्य करते रहे। आपके सन 2014 में जब सर रिटायर हुए तो लगभग 24 वर्ष का कार्यकाल आपने पूरा किया था। आपके प्रशासकीय और शैक्षणिक योग्यताओं के चलते आपने जहां पर 15 से अधिक विद्यार्थियों को पीएचडी भी उपाधि उपलब्ध कराने में अपने महती योगदान दिया, और बताना चाहूंगा कि उनमें से अधिकांश साथी इस समय जो उच्च पदों पर भी कार्यरत है। सर का अपना प्रशासकीय और शैक्षणिक कार्य तो जारी था ही साथ साथ में आपकी एक सदैव इच्छा रहती थी कि खेल मैदानों में बच्चे जुड़े रहे। इस कार्य के लिए लगभग 12-13 वर्ष पूर्व आपने एक एनजीओ स्थापित किया था, खेलो इंडिया खेलो, प्ले इंडिया प्ले, और सर अपने रिटायरमेंट के बाद में इंदौर को ही आपने अपनी कर्मभूमि बनाया है और इंदौर में रहते हुए आपका मार्गदर्शन, आपका स्नेह, आपका हमेशा हम लोगों की उपलब्धता आसानी से मिलती रही है और आप वर्तमान में अपने प्ले इंडिया प्ले के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। ऐसे आदरणीय मोदी सर को हम सब सुनना चाहते हैं, मैं और हमारे सभी साथी सर आपको सुनना चाहते हैं, आप सादर आमंत्रित हैं। थैंक यू दुदाले सर। अब मैं कुरेशी सर से निवेदन करूंगा कि वो आज विषय विशेषज्ञ के रूप में अपने विचार रखें। सर अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू डॉक्टर विकास कौशिक, नमस्कार ऑनरेबल एडिशनल डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन इंदौर डॉक्टर सुरेश लवर, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूट डॉक्टर कुसुम लता इकबाल, जो कभी भी अच्छे काम करने को आगे बढ़ते हैं, और उनके साथ जो मेरा एसोसिएशन रहा है देवी एडल इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा सा बोल देना, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा रहा है। ऑल इज रेडी टू कंट्रीब्यूट फॉर द गुड ऑफ द प्रोफेशन। आप लोगों ने मुझे यहाँ पर याद किया, मैं आपका आभारी हूँ। आज के जो वर्कशॉप जो प्रारंभ हो रही है, द थीम ऑफ द वर्कशॉप इज स्पोर्ट्स फॉर मैनकाइंड, और जो मुझे टॉपिक दिया गया है लेक्चर के लिए वो है व्हाई स्पोर्ट्स। मैं कुछ दिनों से काफी विचारशील हूं दोनों टॉपिक्स को लेकर, वर्कशॉप के टॉपिक को लेकर और जो टॉपिक मुझे बोलने के लिए दिया गया है। मैं काफी रिफ्लेक्ट कर रहा हूं और खासतौर से मैं
हिंदुस्तान इंडिया के परिप्रेक्ष्य में इस बात का बात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। स्पोर्ट्स फॉर मैनकाइंड या मैनकाइंड फॉर स्पोर्ट्स, जी सर, ये टोटल अच्छा सर के सामने आ रही है। अच्छा, और मैं ये तो अभी ये प्रदीप साहब बोलना शुरू हो गए हैं, तो सबको बीच में करवा दूं कि सर रुकेंगे थोड़ा सा, कुछ बातें बतलाकर। नहीं सर, से सर से एक बार पूछ लो, ये बीच में रुकवाऊं जस्टिफाई कर सको। अच्छा, ये 20 मिनट चलेगा सर, 20 मिनट मैं उनका बिल्कुल चर्चा नहीं करूंगा। 20-25 सर से पूछ लो आपकी, 20-25 मिनट बात करा दो तो सब वो अच्छा हो जाएगा, और अपन आखिरी में सर से बुलवा लेते हैं। जैसा कहो, सवाल मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ। ठीक है सर, आप ठीक है, जिंदगी से क्या चाहते हैं? पैसा कमाना चाहते हैं, या मैं सिर्फ ये कहूँ कि सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, तो फिर सवाल आता है कितना पैसा कमाना चाहते हैं, या फिर हम एक सुख भरा जीवन चाहते। तो इस बात का सवाल जो मैंने किया है आपसे, आपको उस पर मनन करना है। हम फिर एजुकेशन पर आते हैं, क्या एजुकेशन एक जरिया है? इट इज द मीडियम ऑफ प्रिपेयरिंग वन सेल्फ, प्रिपेयरिंग अवर स्टूडेंट, प्रिपेयरिंग अवर टीचर, प्रिपेयरिंग अवर स्टूडेंट टू अर्न मनी और टू लीड अ हैप्पी लाइफ। ये इन चीजों पे जब हम सोचते हैं तो ये एहसास होता है कि पैसा हमें, सिर्फ पैसा ही हमें खुशी नहीं दे सकता, ये बात बहुत क्लियर है। तो खुशी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज क्या और हो सकती है? तो बात आती है कि अगर हम स्वस्थ हैं, अगर हम तंदुरुस्त हैं, तो हम जो है पैसा कमाकर, थोड़ा या ज्यादा कमाकर, हम तभी खुश हो सकते हैं जब हमारा शरीर स्वस्थ है। तो ये रियलाइज कर लिया कि अचीव हैप्पीनेस इन लाइफ, यू शुड बी हेल्दी एंड टू बी हेल्दी। अपन को चलाना है बस, टू कीप द बॉडी हेल्दी। It is very important that we should involve ourselves in physical activity, games and sports, or physical activities. अब ये बात जब क्लियर हो गई तो स्पोर्ट्स के लिए मैं synonymous शब्द इस्तेमाल करना चाहूंगा जो कि उससे जुड़े हुए हैं। फिजिकल एजुकेशन, आप लोग सब जानते हैं, मोस्ट ऑफ यू नो, फिजिकल एजुकेशन इज एजुकेशन थ्रू द बॉडी। बहुत सिंपल लफ्जों में मैं बताने की कोशिश करता हूँ, बहुत डीप बात है लेकिन ऊपरी तौर पर। दूसरी बात है, दूसरा जो लफ्ज आता है वो आता है गेम्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, और तीसरा आता है फिजिकल एक्टिविटी। ये किसी भी प्रकार की हो सकती है फिजिकल एक्टिविटी, आउटडोर, इनडोर, एडवेंचर स्पोर्ट्स, इन सब एक्टिविटीज का, गेम्स एंड स्पोर्ट्स का, आउटडोर इंडोर एक्टिविटीज का, एडवेंचर स्पोर्ट्स का, जो भी चीजें हैं, इन सब का उद्देश्य जो है, पर्पज है, बॉडी को गतिशील रखना, टू कीप द बॉडी एक्टिव। अब हम एक्टिव क्यों रखना चाहते हैं? हम एक्टिव इसलिए रखना जरूरी है हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को, क्योंकि गतिशीलता जो है, इट इज द इंट्रिंसिक नीड ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर की नीड आवश्यकता है कि हमारी बॉडी गतिशील रहे, और अगर हमारी बॉडी गतिशील नहीं रहेगी तो हमारी बॉडी डिटोरिएट होना चालू हो जाएगी, हमारी बॉडी जो है वो नष्ट होना चालू हो जाएगी। इस संदर्भ में आगे जो बात आती है कि why should we play? Why play? इसके लिए सबसे पहली जो चीज मैंने चुनी है वो चुनी है कि फिजिकल एक्टिविटीज की जो बॉडी की नीड थी, इट यूज टू गेट सेटिस्फाइड इन ओल्डन।
by involving in the activities which were necessary for survival. पुराने समय में हमारी जो शरीर की क्रियाशीलता की आवश्यकता थी वो हमें जीवित जीवन जीवित रहने के लिए जो हम कार्य क्रियाकलाप करते थे उनके माध्यम से वो पूरी हो जाती थी। जैसे कि हमें पानी चाहिए होता था तो हम कुएं से पानी निकालते थे, हमें लकड़ी चाहिए होती थी जलाने के लिए हम जंगल से काट के लाते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये लंबी कहानी जो आपको मालूम है, लेकिन आज वो चीज नहीं रही है। आज हमें बिकॉज ऑफ मैकेनाइजेशन हमें वो चीज करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट स्टिल द नीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स देयर। हमारी शरीर की आवश्यकता एक्टिविटीज के लिए अभी भी वही मौजूद है। तो उसके लिए जो जरूरी हो गया है कि वी शुड इन्वॉल्व आवरसेल्फ इन प्ले एक्टिविटीज। दूसरा जो वाई प्ले, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, किसी भी धर्म को हम देख लें वहां पर जो उसके जो क्रियाकलाप है, धार्मिक क्रियाकलाप है, उनके अंदर हमारे शरीर के इस्तेमाल को जोर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल जो कावड़ यात्रा है उसका मकसद क्या है? एक नदी का पानी ले जाना दूसरी नदी के ऊपर, दूसरी नदी का पानी लेकर आना, ये इस तरह की क्रिया को कावड़ यात्रा कहते हैं। इसका मकसद बहुत सिंपल था कि साल में एक बार आदमी जो है आउटडोर लाइफ में इन्वॉल्व हो और वो आउटडोर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, एक जगह से दूसरी जगह जाकर पैदल चलकर इस क्रियाकलाप को पूरा करें। हम देखते हैं कि पंचकोशी यात्रा जो कि उसमें भी पैदल चलने को जोर दिया गया है, हम मंदिरों की पोजिशन देखते हैं तो वो बहुत ही ऊंचे स्थानों पर, बहुत ही दुर्गम स्थानों पर भी मौजूद है जहां पे जाने के लिए हमें शारीरिक क्रियाकलाप करना पड़ते हैं। इनका मकसद जो था वो ये था कि शरीर को गतिशीलता मिले। Why we should pray? Next point is our educational heritage. अगर हम जाते हैं अपने पास्ट में तो हम देखते हैं कि हमारी जो ग्रुप थे वहां पर हर तरह की शिक्षा के साथ म्यूजिक, फिलोसफी, वेद, पुराण, इन सब के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज को भी बहुत जोर दिया जाता था और जो विद्यार्थी वहां पर पढ़ने आते थे उनको मुष्टियुद्ध, गदायुद्ध, हॉर्स राइडिंग, तलवारबाजी, भाला फेंक, इन सब एक्टिविटीज के अंदर जोड़ा जाता था जिससे कि उनका शरीर जो है वो स्वस्थ रहे। सोशल हेरिटेज, वो फोन आ गया था उनका, मैंने कहा थोड़ा रुक जाओ 15 मिनट, बहुत ही डीप रुके थे, बीच में रुकना तो अच्छा नहीं लगा। हम किसी भी समाज में चले जाए तो जो हमारी इंडिजिनियस गेम्स हमारे सामने उभर कर आते हैं, कहीं भी चला जाए आप किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाए, दे हैव देयर इंडिजिनियस गेम्स जिसके अंदर सारे लोग बहुत ही शौक से भाग लेते हैं, लेते कैमरा देख ही नहीं पाए, वो कम होता जा रहा है। दिस रिमाइंड मी अबाउट द स्वयंवर ऑफ सीता जी, दिस रिमाइंड मी ऑफ स्वयंवर ऑफ द्रौपदी। तो वहां पर वर्कशॉप और रूसा दोनों का एक कर दिया, इसका पेमेंट जो है वर्ल्ड बैंक से हो गया, वर्ल्ड बैंक और रूसा एक कोटेशन लगे, उसी को उन्होंने कहा कि हम तेरे को रूसा का अलग से नहीं देंगे, वर्ल्ड बैंक और रूसा का दोनों का देंगे। अपना काम केवल इसमें देखना है कि कोटेशन से लिया जाएगा, पेमेंट करना इनका काम है, बच्चों का नहीं। व्यायाम शालाएं थी और जहां पर हमारे जो यूथ था, हमारा जो यंग तबका था,
वो वहां पर एक्साइज करता था। फिर एक बात आ जाती है ऑलराउंड डेवलपमेंट की। अब इस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, एजुकेशन का जो उद्देश्य है, जो शिक्षा का उद्देश्य है, वो ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल है। ऑलराउंड डेवलपमेंट इंडिविजुअल में जो बात आ जाती है वो आ जाती है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। ऑब्वियसली जब हम खेलेंगे तो फिजिकल डेवलपमेंट इज देयर, वो होना ही है, वो होता ही है। बट आई जस्ट टच अप द मेंटल डेवलपमेंट, और उसको भी मैं दूसरे एंगल से ही टैकल करूंगा। जब हम फुटबॉल खेल रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जब हम फुटबॉल खेल रहे हैं और मेरे पास बॉल आती है, तो क्या मैं बॉल के ऊपर अपना पैर रखकर और आराम से अपने 10 खिलाड़ियों की पोजीशन देखता हूँ, और आराम से अपने 11 खिलाड़ियों की पोजीशन देखता हूँ, फिर सोचता हूँ कि मैं ड्रिबल करूँ, किक करूँ, लॉक करूँ, चिप करूँ, क्या करूँ? नहीं, ये नहीं होता। जब एक बैट्समैन एक बॉलर को फेस करने के लिए तैयार हो रहा है, तो उसके पास बॉल डिलीवर होने के बाद कितना समय मिलता है जिसके अंदर वो स्पीड ऑफ द बॉल जज करता है? मैं इनको देखता भी जा रहा हूँ, देखता जा रहा हूँ। स्पीड ऑफ द बॉल एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो डिसाइड करता है अडॉप्ट करने से, इन गुणों की प्रैक्टिस करने से
वी बिकम वर्थी सिटीजन ऑफ द कंट्री, और वर्थी सिटीजन जो है इट इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड एंड लव्ड बाय ऑल। नहीं तो जो वर्थी सिटीजन नहीं है वो एक बोझ होते हैं जिसको मुल्क को ढोना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बात पर मैं आपके शायद करता शेयर करने वाला हूं वह है वाई प्ले। मेरा सबसे ज्यादा पहला कहना जो है द फर्स्ट थिंग विच आई वांट आई ऑलवेज एम्फसाइज प्ले फॉर योर सेल्फ, प्ले फॉर योर सेल्फ। व्हाट डज इट मीन? जब हम खेलेंगे हम तंदुरुस्त रहेंगे, हमें हमारे अंदर अच्छे सिटीजन की क्वालिटीज डेवलप होंगी, हमें एहसास होगा कि हम एक अच्छे समाज के सदस्य हैं। जो आज साइन कर दिया उस पे खेलने से हमें अच्छी इसका मैं शुरू से जोर देता आ रहा हूँ। मैंने आई मेंशन इट एट द वेरी अर्ली स्टेज। हेल्थ को आगे हम कैसे डिफाइन करते हैं? मुझे बुखार नहीं है, मुझे चोट नहीं लगी है, कैन वी कॉल आवर सेल्फ हेल्दी? नो। इसके लिए बहुत ही खूबसूरत डेफिनेशन WHO ने दी है, एंड WHO सेज दैट टोटल वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल दैट इज फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, एंड दीज मेंटल, सोशल एंड फिजिकल आई टेक यू बैक आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन एज वेल एज फिजिकल। तो ये जो जब हमें जब तीनों चीजें मिल जाएंगी तो वी बिकम अ हेल्दी पर्सन, हम लोग अच्छे नागरिक बन जाएंगे, एक अच्छे डॉक्टर इंसान ने बोला पहले, उसके बाद सुरेश जी थे। एक और बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है, सुनील दुदाने ने इनका इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है, मैंने सुरेश जी बोल दिया हैव क्वालिटी टाइम। तो आपको नोट करना है, क्वालिटी टाइम नोट करना है कुछ बोलो ने कुछ के लिए लोग स्पेंड कर। अगेन आई एम पुटिंग अ क्वेश्चन, क्वालिटी टाइम कितने लोग स्पेंड कर रहे हैं? बहुत ही लिमिटेड रूप में अगर क्वालिटी टाइम को देखा जाए तो व्हेन वी आर प्लेइंग वी एंजॉय इट, वी लव इट, वी गेन, वी इंप्रूव, ये सब चीजें होती हैं। सो आई जस्ट बहुत लंबा विषय है क्वालिटी टाइम का, बट आई लिमिट माय सेल्फ एक्स डायरेक्टर आर इमीडिएट आउटकम ऑफ प्ले एंड डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन वी हैव अ क्वालिटी टाइम। सेकंड इसके अंदर बात आती है गुड सोशल टाइम। डेफिनेटली आई हैव एक्सप्लेन समथिंग अबाउट इट, वी क्रिएट गुड कॉन्टेक्ट। जो कॉन्टेक्ट आपको खेल के दौरान आपको मिलते हैं बिकॉज देयर यू शेयर मैनी थिंग्स, खेल के दौरान आप बहुत चीजों को शेयर करते हो, आप अपनी जीत को शेयर करते हो, अपनी हार को शेयर करते हो, आप अपने चोटों को शेयर करते हो, आप यू शेयर मैनी थिंग्स, यू शेयर कल्चर, यू शेयर लैंग्वेज, यू शेयर फूड हैबिट्स, सो मैनी थिंग्स आर देयर विच यू शेयर। Next is play is for recreation. Play is for recreation. Recreation को हमें समझना पड़ेगा. It is recreate. What is to be recreated? What is to be recreated? Recreating of the self. हम अपनी दिनचर्या में वही काम करते करते इतना नष्ट हो जाते हैं. We destroy ourselves. We feel exhausted, tired. हम बहुत कमजोर सा महसूस करते हैं। बट वंस वी इन्वॉल्व इन प्ले वी आर रिक्रिएटेड, हम दोबारा बन जाते हैं टू टैकल द वर्क विच वी आर सपोज टू डू। जो काम हमें करना है उसको करने के लिए हम अपने को तैयार पाते हैं। प्ले सेल्फ कॉन्फिडेंस इज डेवलप्ड, जो जिंदगी के हर आयाम के लिए जरूरत है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे
डेवलप होता है, बहुत हद तक आप लोग जानते हो, लेकिन फिर भी इट इज नॉट मेयरली पुटिंग द बॉल इन द बास्केट, इट इज नॉट मेयरली सिर्फ बॉल को बास्केट में डालना है या गोल कर देना फुटबॉल के अंदर, या एक समर शॉट लगा लेना, या 10 सिटअप लगा लेना, या एक 5 किलोमीटर चल लेना, इट इज नॉट जस्ट अ मेयरली अ फिजिकल एक्टिविटी, ये वो नहीं है। ये हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करती है कि आई कैन डू, आई हैव डन इट। ये फीलिंग सबसे ज्यादा ट्रांसफर होती है थ्रू गेम्स एंड स्पोर्ट्स। इमोशनल गुण्स हमें जो भाव भावना अच्छी होती है जिंदगी के अंदर जो हम गुजर रहे हैं, यहाँ पे हर एक को अपनी कहानी मालूम है, एवरीबॉडी नोज हिज ओन स्टोरी। हम लोग बहुत ज्यादा बिकॉज ऑफ वन रीजन और अनदर रीजन हम इमोशनल गुण इमोशनली घायल होते हैं। इन्वॉल्वमेंट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स हमें उन घावों को भरने में मदद करता है। वो इस तरह से मदद करता है कि जब हम खेल रहे हैं तो हमारे दिमाग में YouTube बहुत अच्छा लगता है, एक सफाई सी होती है, एंड दैट अल्टीमेटली हमारी इमोशंस को हील करता है। एक बड़ी समस्या है, द वेरी बिग प्रॉब्लम वी आर फेसिंग टुडे, पप्पू ये रे बोलो ना, वी कैन नॉट टेक वॉइस पीछे जा, हार या जीत नो चलो यूट्यूब के पीछे जा, दोनों चीजों का जिक्र कर रहा हूं, हार या जीत, इन दोनों के परिणाम आज वी कैन सी क्लियरली इन आवर न्यूज़पेपर। लगातार हम ये न्यूज पढ़ रहे हैं कि इसने सुसाइड कर लिया, उसने सुसाइड कर लिया लगातार, और इस कोरोना सीज के अंदर ये बात और भी ज्यादा उभर के सामने आई है। छोटी छोटी बातों के ऊपर वी कैन रीड द न्यूज अबाउट द सुसाइड बाय एल्डरली पर्सन, बाय यंगस्टर्स, बाय लेडीज, बाय गर्ल्स, फॉर एवरीबडी इज इन्वॉल्व इन दिस। व्हाई? क्योंकि बहुत छोटी चीज की या छोटी सी हार को वो नहीं ले पाए। हम अगर खेल रहे हैं तो ये हमारी एक आदत में शामिल हो जाता है कि हम हारते हैं। आज जब हम हारते हैं तो अफसोस होता है, लेकिन फिर हम ये डिटरमिन करते हैं कि इट इज ऑलवेज नेक्स्ट टाइम, और ये खेलने वाले की आदत में शामिल हो जाता है, और वो लेकिन जिंदगी में भी अगर हम रोजाना खेल में इन्वॉल्व है तो हार जीत को हमें स्ट्राइड्स में लेना आ जाता है, और हम बहुत ही आसानी से हार जीत को सहन कर सकते हैं। जिंदगी में भी हम हार रहे हैं तो हमें मालूम है कि अभी हम कोशिश करेंगे, परसिवियरेंस लगातार कोशिश से हम जीत भी सकते हैं। एक बहुत जरूरी चीज जो हमारे लिए खेल सिखा सकता है इज फेयर प्ले। आज हम अपने समाज में या दुनिया में भी कहने तो कोई मुजायका नहीं है, इट मे नॉट बी रॉन्ग, हम हासिल करना चाहते, we want to get by hook and crook, हम जीतना चाहते हैं by hook and crook। ये tendency हमारे समाज में, दुनिया के समाज में बहुत ज्यादा व्याप्त है, लेकिन हमें मालूम है जो लोग खेल रहे हैं उनको ये एहसास है कि they have to play following the rules and regulations of the game। हम जीतेंगे तो हम सिर्फ नियम से ही जीत पाएंगे, अगर हम foul खेलेंगे तो हमने भी हासिल करना,
हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारी जीत जो है वो हमें सही तरीके से प्राप्त हो, गलत तरीके से उनको दिख रहा है ना प्राप्त उनको अपना वो अपना वीडियो देख सकते हैं जब चाहे एक विडंबना चल रही है एक 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 क्रांति में हम लोग जुड़े हुए हैं जहां पर बात हो रही है मेडल्स की मुझे मेडल्स से एतराज नहीं है आज जब खेल की बात चलती है तो हम यहां अपने बच्चों के लिए बात करते हैं जीव जीतने की या हम बात करते हैं कि अगर खेलेंगे तो विराट कोहली बनना जरूरी है या सानिया नेहवाल बनना जरूरी है इस भ्रांति से भी हमें निकलना पड़ेगा मुझे एतराज नहीं है मुझे इससे भी एतराज नहीं है कि वी शुड गो इन स्ट्राइड विद द डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड जो दुनिया में खेल की जो प्रोग्रेस हो रही है उसके साथ साथ चलने में मुझे एतराज नहीं है मुझे ये बड़े बड़े स्टेडियम्स बनने में भी एतराज नहीं है लेकिन मुझे ये सोच आता है कि अगर हर माँ बाप ये सोचकर अपने बच्चे को विड्रॉ कर ले हम अपनी टीम को पार्टिसिपेट करने नहीं भेजे कि भाई मेडल जीतना है मेडल नहीं मिलेगा तुम विराट कोहली नहीं बन पाओगे तुम सानिया मिर्जा नहीं बन पाओगे तो नहीं ये एक सोच आई सीन इत्तेफाक से कभी जब मेरा किसी स्पोर्ट्स शॉप पे जाना हुआ तो आ फादर केम विद अ सन और उसने ये बोला कि मुझे सबसे अच्छा बंदा सबसे अच्छी हैंड ग्लोव और सबसे अच्छी ये सबसे अच्छी चीज और अच्छा सर्किट चाहिए उसने इतना महंगा सामान खरीदा विच आई फील कि It was not required. क्योंकि उसका एम था मैंने उससे हल्की सी बात करी बोला मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा टॉप लेवल का क्रिकेट खेले अब ये सोच में जब तक हम डले हुए तो एक ये गंभीर समस्या है तो बात कर लेंगे उनसे we had to think of हमें सोचना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को हम अपने स्टूडेंट्स को हम खुद को अपने लिए खेलने के लिए प्रेरित करें साले एसी नहीं चल जाएगा अरे एसी नहीं चल रहा है एसी जब बातें मेरे दिमाग में चल रही है तो चल रहा है जो सबसे जो महत्वपूर्ण बात आती है चल रहा है पानी बढ़ रहा है हमें बहुत ही कम हुआ ग्रास रूट फ्लोट पे काम करना पड़ेगा वो ग्रास रूट लेवल पे काम करने से हम आगे जो है उनका उधर का चालू होगा बैनर ही लेगा मेरा इस्तीफा बड़े बड़े स्टेडियम में जाने का और वहां पर मैंने देखा कि फेन की बात फेन मत करना है आवाज फेन मत चालू करना वो काम नहीं आएगी फेन तो कमी रख क्योंकि वहां पर हर कोई जाने के लिए चालू हो गया चालू वो ताम झाम देखकर बच्चा या आदमी तो देख थोड़ी देर अभी एक चालू कर पंखा बंद कर दे आवाज आएगी पंखा कम कर उसको बड़े बड़े स्टेडियम में एस्ट्रो टर्फ एस्ट्रो टर्फ से भी सब होना भी चाहिए लेकिन क्या हमारी पॉपुलेशन के लिए एक एस्ट्रो टर्फ की जगह एक एस्ट्रो फील्ड की जगह 50-25 हॉकी फील्ड नहीं होना चाहिए जो कि जिसपे कि हमारे आज पार्टिसिपेट करें और वहां पे पार्टिसिपेट करके अपने को क्वालिफाई करें फॉर दी एस्ट्रो टर्फ सर्विसेज एंड बिग फैसिलिटी ये एक सोच का विषय है जिसको हमें देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा मैं एक अपील करना चाहता हूं सारे प्रिंसिपल महोदयों से हायर अप्स इन एजुकेशन और डिफरेंट सब्जेक्ट टीचर से कि आप लोग खेल से जुड़िए वो चीज मैंने शेयर करनी थी
के मैदान पे आपके जुड़ने से आपको खुद अच्छा महसूस होगा। बहुत डेफिनेटली बहुत चैलेंज के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि यू विल अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ्स बेटर बात करूँ ऑन प्ले फील्ड देन इन द क्लासरूम। वो आपको बहुत मदद करेगा व्हेन यू विल अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ्स इन प्ले फील्ड, क्योंकि खेल के मैदान के ऊपर कोई नत्ति नहीं रह सकता। इट इज ऑटोमेटिकली दैट अ प्लेयर बिकम्स इन कम्स इन रियल सेंस व्हेन ही इज प्लेइंग। यू विल अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द सर 5-1 मिनट में सर हैं सर योर स्ट्रेंथ whom you are supposed to teach बस 5 मिनट में मैं फोन लगा दूंगा तुरंत आपको है ना। यू विल अंडरस्टैंड हिज नेचर व्हेदर ही कोऑपरेट्स ही रिस्पेक्ट यू ओबे ये सारी चीजें आपको अपने अपने क्लास के अंदर अपने स्टूडेंट को पढ़ाने में बहुत मदद करेगी। यू विल कम इन वेरी गुड क्लोज कॉन्टेक्ट विद योर और एक जो मैं अपने प्रोफेशन के लास्ट ही बोलता कि जो बच्चे खेल के मैदान पे अच्छा कर रहे हैं बीइंग अ फिजिक्स टीचर व्हेन यू नो हिम दैट ही इज डूइंग वेरी वेल ऑन द प्ले फील्ड ब्रिंगिंग लॉरेंस टू द कॉलेज तो आप थोड़ा सा उसको ज्यादा सहानुभूति की नजर से मदद की नजर से एक्स्ट्रा टाइम देकर पढ़ाने के लिए पढ़ने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। मेरी अपील स्पोर्ट्स ऑफिसर से या जो इस प्रोफेशन में जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे भी वी आर इन द फील्ड ऑफ एक्शन। हम लोग एक्शन की हमारी फील्ड जो है वो एक्शन हम मैडम को साबित करने की मैडम नहीं है निगवाल मैडम हमें अपने को साबित करना पड़ेगा। उसको भेजा तो था यार और साबित करने के लिए आप मैं भेज देता हूँ एक बार फिर जुड़वा देना अभी पप्पू जुड़ेंगे ना आपको वहाँ पे टाइम डिवोट करना आपको भूल पड़ा साबित करना पड़ेगा नॉट इन टर्म्स ऑफ योर अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ मेडल सर लेकिन आपका प्रभाव जो स्टूडेंट्स के ऊपर रहता है वो प्रभाव जो है इट शुड बी डिफरेंट मैंने भेज दिया उनको इन द कॉलेज है ना इनका खत्म हुआ तो पप्पू वही आएंगे हुई इन वेरी रियल कांटेक्ट ऑफ द स्टूडेंट इज हैविंग अ वेरी पॉजिटिव इंपैक्ट इन द टोटल लाइफ ऑफ द कॉलेज। टीचर्स इसे एक बात बोलना भूल गया मैं टीचर्स को प्रिंसिपल को ये भी रियलाइज करना पड़ेगा कि एक कॉलेज के अंदर सिर्फ एक स्पोर्ट्स या दो स्पोर्ट्स ऑफिसर आर वेरी फ्यू कॉलेजेस आते हैं तो उस आदमी से हम एक मिरेकल एक्सपेक्ट करें इट इज नॉट पॉसिबल। डेफिनेटली बहुत पक्के तौर पे ही नीड्स द कोऑपरेशन इन कंडक्टिंग द स्पोर्टिंग एक्टिविटीज on a very highly effective level with the cooperation of his colleagues, that is principal and other faculty members. Principal ka khel ke maidan pe aana sirf ek chakkar lagana bhi it will carry a lot of meaning, lot of impact on the students and other faculty members. कोरोना पीरियड का जिक्र ना हो तो मुझे लगता है कि मेरा लेक्चर जो है वो अधूरा रह जाएगा। बहुत डैमेजेस हुए और डैमेजेस को फिर मैं रिफ्लेक्ट करके वहीं ले गया हूँ। 3 डैमेजेस हुए फिजिकल डैमेज बोल चुका हूँ मैं आप समझते हैं मेंटल डैमेज मैं एंग्जाइटी क्यूरियोसिटी अनसर्टेनिटी मालूम नहीं क्या क्या हमारे दिमाग के अंदर डेवलप हुआ और सोशल डैमेज ये डैमेज हमारे कोरोना काल की आउटपुट है। अब इनको टैकल करने के लिए आई थिंक नथिंग इज बेटर देन स्पोर्ट्स। तो ये एक हाई टाइम है हम प्रोफेशनल्स जो हैं हम लोग जो इस प्रोफेशन में वी शुड एनकरेज वी शुड एडवोकेट We should advocate others
इन डैमेज को अगर आपको हील अप करना है तो स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन गेम्स एंड इसको जो प्रोफेशनल्स हैं उनको बहुत मेहनत करनी है फिजिकल डैमेज अगर एक डॉक्टर नहीं नहीं मैं कॉलेज में तो ये अपने मरीज का ट्रीटमेंट करते हुए अंत में ये एडवाइस देता कि सी आई हैव डन द ट्रीटमेंट आई हैव प्रिस्क्राइब द ट्रीटमेंट लेकिन मैं आपको ये प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ कि यू शुड गेट योरसेल्फ इन्वॉल्व इन द फिजिकल एक्टिविटीज आफ्टर यू रिकवर अगर आप रिकवर नहीं रिकवर करने के बाद आपको फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होना ये वही डॉक्टर कर पाएगा मैंने कहा ये वही और अगर डॉक्टर ये नहीं कर रहा है तो वो अधूरा डॉक्टर है अब अधूरा डॉक्टर का कैसा मतलब निकाला है मैंने कि जो डॉक्टर खुद इन्वॉल्व नहीं है सर एक दो मिनट में कंक्लूड कर रहे हैं सर आप ज्वाइन करो अच्छा ज्वाइन किस नाम से है सर थोड़ा सा आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू रिकमेंड प्ले एज अ प्रिवेंटिव मैं देख रहा हूँ सर देख रहा हूँ सूर्य सिलावट के नाम सुनिटिव मेडिसिन के अंदर डाल रहा हूँ अरे हैं डॉक्टर डॉक्टर हु नोज इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर बोलता हूँ कि एक इंजीनियर जिसकी अपनी बॉडी ही he has failed to build his body and maintain how he will understand to maintain a build and maintain bridge a building जब उसको खुद को अपनी बॉडी को बिल्ड करना नहीं मालूम है उसको बुलाना है क्या सब बोल रहे हैं ना चले और सब बोल रहे हैं सब बोल रहे और बिल्डिंग और मशीन तो ये मेरे एडवाइस है कि आप जब एडवोकेट करें अपने प्रोफेशन के बारे में तो बहुत ही स्ट्रांगली करें क्योंकि आप जब एडवोकेट करेंगे और बहुत ही स्ट्रांगली करेंगे तो पीपल विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दी ऑफ गुड हेल्थ थोड़ी सी बात हायर एजुकेशन की करना चाहूंगा और I think in 94-95 a good step has been taken by MP government by introducing a system of participation in games and sports. काफी अच्छा है जो कि कॉलेज लेवल से शुरू होकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फिर डिविजन लेवल पे फिर स्टेट लेवल पर आता है इट इज गुड सिस्टम एंड मैनी मैनी गेम्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड 94-95 में आई वॉज डीपली इन्वॉल्व इस पूरे जो प्रोसेस था और उस टाइम जो एक बहुत अच्छी बात हुई वो हुआ कि जो फाइनेंशियल स्टेटस था गेम्स एंड स्पोर्ट्स का उसको भी काफी बूस्ट किया गया और उससे जो है काफी असर पड़ा टू मोटिवेट द चिल्ड्रन इन द हायर एजुकेशन टू पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स गंदे प्रशंसनीय है बट स्टेट इट नीड्स इम्प्रूवमेंट बट स्टेट इट नीड्स टू बी इम्प्रूव जो मैं सोचता हूँ कि कॉलेज लेवल पर इफ पॉसिबल कॉलेज लेवल पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि एवरीबडी इज पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन वन वे और अनदर किसी भी तरह से हर बच्चे को हम खेल के मैदान में ला पाए लेकिन मुझे एक सपना लगता है एक ख्वाब लगता है ये बात मैं कई बार कर प्ले फैसिलिटीज still needs to be put upon because we need and just like the play activities ko hum badhava de sake ye sari baatein karne ke baad mere khayal se mera waqt bhi 30 minute ka I think is going to
पांच चीज जो मेरे जहन में थे 2011 में, एक कॉन्सेप्ट था प्ले इंडिया प्ले, एक एनजीओ स्टार्टिंग किया और जिसका बहुत अभी कहानी है उसकी, बट शॉर्ट में मैं उसको बताना चाहूंगा कि प्ले इंडिया प्ले का जो कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए किया कि आई वॉन्ट द राइट टू बी प्ले टू बी इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. हमारे छह अधिकार है, मौलिक अधिकार, लास्ट जो जुड़ा था राइट टू एजुकेशन जुड़ा था. Now I am striving to get right to play included in the Constitution of India. ये छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसके पीछे जो मेरी जो सोच है, वो इतनी बड़ी है कि उसकी कल्पना करना बहुत ही मुश्किल भी और आसान भी है. अगर वो right to play हमारे Constitution जो गया, तो दुनिया का पहला मुल्क होगा, पहला देश होगा जिसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट टू प्ले जुड़ेगा. और राइट टू प्ले जोड़ने के पीछे मेरा टोटल जो एक बहुत बड़ा जो सोच है वो है फॉर द गुड ऑफ द प्रोफेशन. इससे हमारा जॉब अपॉर्चुनिटीज बेहतरियां बढ़ेंगी, फैसिलिटीज बेहतर डेवलप होंगी और जिसमें एम्प्लॉयमेंट, मतलब इट इज अ अनलिमिटेड थॉट. यू नो हम इसके बारे में राइट को राइट ऑफ राइट टू प्ले जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़ जाएगा तो इसके जो आउटकम्स होंगे वो उसकी कल्पना हम जितनी भी करें उतनी कर सकते. एंड जब नूट एंड कॉर्नर पे हमारे प्ले फैसिलिटीज होंगी तो डेफिनेटली माँ हिचकिचाएगी सामने घर के खेलने के लिए, खेलने के लिए प्रेरित करने के लिए. खेलो जाओ, खेलो घर के सामने खेल के मैदान है, कॉलोनी खेल के मैदान है, वी नो द कंडीशन. तो ये प्ले इंडिया प्ले का मोमेंट है जिसमें मैं डेफिनेटली अपील करना चाहूंगा कि आप लोग भी जोड़े जिससे कि एक नया रूप ले सके. हाँ, बना चुके हैं और भी इसको अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इन्हीं लफ्जों के साथ पुनः मैं संस्था का आभारी हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया आप सबसे रूबरू होने का, आप सबसे बात करने का. धन्यवाद. जय हिंद. थैंक यू वेरी मच सर. आपने हमारे आज के वर्कशॉप के पहले दिन वाई द स्पोर्ट्स टॉपिक को चारों सभी तरह से कवर किया. समाज, परिवार, देश और खेल की जितनी भी दूसरे आयाम होते हैं उन सभी पे आपने कवर किया. मैं अब निवेदन कर रहा हूँ हमारे अतिरिक्त संचालक महोदय डॉक्टर सिलावट सर से कि वह अपना बस सर हो गया अपना अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें. बस जोड़ो सर. सिलावट सर, सर मैं हमारे अतिरिक्त संचालक महोदय इंदौर उज्जैन संभाग से निवेदन कर रहा हूँ कि वे हमारे इस राष्ट्रीय कार्यशाला में अपने दो शब्द मार्गदर्शन के रूप में बताने का कष्ट करें. डॉक्टर सुरेश सिलावट. सिलावट सर का माइक ओपन कर दीजिए प्लीज. क्लिक तो मैंने कर दिया था पहले, कर दिया उससे नहीं हो जाएगा. उन्हीं ने क्या रखा है सर से बात कराऊं अभी. सभी से निवेदन है कि सर अभी आपसे
जरा रूबरू होंगे, जरा से एक आवश्यक उनको चर्चा करनी पड़ रही है बीच में। सर लाइन पे लिया हुआ है सर को, अनम्यूट कर दीजिए। सर 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 से निवेदन है कि वो अपने आशीर्वचन सर हाँ भेज दो अभी अभी सर आपसे निवेदन है कि अपने आशीर्वचन देने का कष्ट करें। हेलो हेलो सर हेलो जी आ रही है आवाज सर। सर नमस्कार विकास जी। नमस्कार सर नमस्कार। अरे कौशिक साहब तुम्हारे लिए बहुत देर से बैठे यहाँ, एक घंटे हो गया। सर 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 आपको शुभकामनाएं। आपने स्पोर्ट्स मैन किट पर जो सेमिनार आयोजित किया उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर सुरेश सिलावट अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा इंदौर संभाग तथा होलकर साइंस कॉलेज इंदौर प्रिंसिपल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और शासकीय निर्भय सिंह पटेल विज्ञान महाविद्यालय इंदौर के क्रीड़ा विभाग तथा आईक्यू एसी सेल द्वारा आयोजित 18-24 मार्च 2021 तक स्पोर्ट्स ऑफ मैन किट विषय पर आयोजित होने वाली 7 दिवसीय कार्यशाला के आयोजन के लिए बधाई देता हूं। इस कार्यशाला में देश के विभिन्न शहरों मद्रास गोवा गुवाहाटी ग्वालियर इंदौर से सम्मिलित होने वाले सब्जेक्ट एक्सपर्ट तथा प्रतिभागियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस कार्यशाला के सफल आयोजन के लिए मैं डॉक्टर सुरेश सिलावट कुसुम निगवाल संयोजक विकास कौशिक एवं समिति के सदस्य मधु तिवारी संजय जैन शोभा चतुर्वेदी प्रीति भट्ट को बधाई देता हूँ मुझे इस कार्यशाला का संरक्षक बनाने के लिए। आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई और यह कार्यशाला सभी प्रतिभागियों के लिए लाभदायी तो हो उसके लिए बधाई धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। हम क्षमा प्रार्थी हैं कि आपको हमारे लिए वेट करना पड़ा। थैंक यू। अब मैं हमारे सभी का धन्यवाद। अब मैं अपने हमारे महाविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर और आईक्यूएसी के संयोजक डॉक्टर संजय जैन से निवेदन कर रहा हूं कि वे सभी का आभार व्यक्त करें। डॉक्टर संजय जैन। शासकीय निर्भय सिंह पटेल विज्ञान महाविद्यालय के क्रीड़ा विभाग द्वारा आयोजित इस नेशनल वर्कशॉप जिसका टॉपिक जो है स्पोर्ट्स फॉर मैनकाइंड और ये एक हफ्ते की वर्कशॉप जो है हमारी आयोजित की गई है और उसमें सर्वप्रथम मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से आभारी हूँ हमारे इंदौर संभाग के अतिरिक्त संचालक डॉक्टर सुरेश सिलावट जी का जिनके मार्गदर्शन में ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है। निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है कंटिन्यू और इसी कारण हम ये जो कार्यक्रम है आयोजित कर पा रहे हैं। इसी श्रृंखला में मैं आभारी हूँ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर निगवाल मैडम का कि उनका भी हमें मार्गदर्शन मिला और हम ये कार्यशाला आयोजित कर पाए। आज की इस कार्यशाला के मुख्य वक्ता आदरणीय एम आई कुरैशी सर जो कि एक्स डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन DAV भी हैं जिनके द्वारा आज जो वक्तव्य दिया गया निश्चित रूप से सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए बड़ा लाभकारी रहा होगा। सर ने बहुत ही अच्छी बातें कहीं। निश्चित रूप से स्पोर्ट्स जो है बिना स्पोर्ट्स के जो जीवन है वह निश्चित रूप से अधूरा लगता है तो स्पोर्ट्स का जो महत्व है वह निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा है जीवन में और यदि हमें हेल्दी रहना है वेल्दी रहना है और निश्चित रूप से फिजिकली फिट रहना है तो स्पोर्ट्स का महत्व बहुत होता है और निश्चित रूप से सर ने जो भी गाइडेंस दिया है
उस गाइडेंस के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। तो हम स्पोर्ट्स का जो टॉपिक हमारा है आज का, मैनकाइंड, स्पोर्ट्स फॉर मैनकाइंड, मानवता के लिए खेलकूद, तो निश्चित रूप से यदि खेलकूद से जुड़े रहेंगे तो मानवता जो है अपने आप आती रहेगी हमारे पास, हमारे इसमें चरित्र में। तो बहुत 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 धन्यवाद सर आपका कि आपने बहुत ही अच्छी बातें कही। साथ ही आपने ये भी कहा कि कोरोना काल में जो लॉस हुआ है हमारा, न केवल फिजिकली बल्कि मेंटली और सोशली इकोनॉमिकली जो लॉस हुआ है, निश्चित रूप से इसकी भरपाई करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन यदि सभी जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी है, वो यदि खेलकूद से जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से हम कुछ हद तक इसकी भरपाई कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया और समय निकाला हमारे लिए, और बहुत ही अच्छा उद्बोधन आपके द्वारा दिया गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। IQCCL सेल के द्वारा भी आपका शुक्रिया अदा किया जाता है। साथ ही जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज हमारा पहला दिन था वर्कशॉप का, इसी प्रकार से आपका सहयोग मिलता रहेगा तो जो 7 डेज वर्कशॉप है हमारी सफल हो पाएगी। आप सभी का आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच जैन सर। आज हमारे वर्कशॉप का पहला दिन था, हो सकता है हमारी तरफ से थोड़ी बहुत कुछ कमियां त्रुटियां हुई होंगी जिसे हम आगे सुधारते रहेंगे। जितने हमारे सुनने वाले हमारे पार्टिसिपेंट्स थे उनको थोड़ा सा कई बार बीच में इंतज़ार भी करना पड़ा, अब क्योंकि ऑनलाइन का भी हमारा नया नया तजुर्बा है, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं कहीं कमी भी रह जाती है। तो मैं उन सबसे अपनी इन त्रुटियों के लिए और जो आप लोगों को परेशान होना पड़ा उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और कल फिर हम इसी समय पे जुड़ेंगे। जो YouTube का लिंक है वो हमें फ्रेश बनाना होगा, तो मैं सारे ग्रुप्स में वो फिर से डाल दूंगा। और इन सब बातों के अलावा मैं इस वर्कशॉप का आज पहला दिन है तो एक अपना एक आइडिया मेरे दिमाग में हमेशा से रहता है। कई बार अपन लोग मीटिंग में मिलते रहे तो भी मैं बोलता रहा हूँ, आज फिर फ्लोट कर रहा हूँ और 7वें दिन इसका जवाब दूंगा कि हिंदुस्तान की GDP का यदि कोई भी 1% यदि स्पोर्ट्स पे लगा दिया जाए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पे, कि हमें ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं, हमारी सोसाइटी हेल्थ पे लगा दिया के उसमें लगा दिया जाए स्पोर्ट्स के लिए, तो मैं इसको आखिरी दिन प्रूव करके बताऊंगा कि GDP का यदि 1% हम सोसाइटी हेल्थ के इन कॉन्टेस्ट इन रिलेशन टू स्पोर्ट्स पे लगा दिया गया तो हम उसका 3% रिटर्न करके दिखाएंगे। ये मैं आखिरी दिन आपको स्टेटिस्टिक्स के आंकड़ों के साथ सिद्ध करके दिखा दूंगा। और कल के जो हमारे वक्ता है वो डॉक्टर बासु मतारी हैं, डायरेक्टर LNIP गुवाहाटी, और वो भी कल 2 बजे जुड़ेंगे और हम लोग फिर कल मुलाकात करते हैं 2 बजे। थैंक यू वेरी मच, आप सब जुड़े हमारे बीच। हमारे मध्य प्रदेश संघ के अध्यक्ष भी दिख रहे थे मुझे, राय साहब, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कुरेशी सर का धन्यवाद, सभी मित्रों का, साथियों का, सबका धन्यवाद, स्टूडेंट्स भी इसमें जुड़े।